तो एक ग्वालियर शहर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के कैंसर पहाड़िया की झाड़ियों में एक अज्ञात युवक का लाश मिलने से सनसनी फैल गया है। युवक की यह लाश 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। मृतक युवक कौन है, कहां से आया, किस तरह से उसकी मौत हुई है, इसको लेकर अभी तक कोई भी जानकारी हासिल नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन आपको बता दें कि अब चेहरे से मांस हट चुका है, जिसकी वजह से अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसको लेकर पुलिस भी लगातार आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और लाश को यहाँ पर या हत्या है, आत्महत्या है, इसका अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है। और अभी जैसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर कुछ खुलासा हो सकता है। कैंसर पहाड़िया के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मौके पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और ये उसकी बॉडी भी डिकम्पोज हो गई, संभव से 2-3 दिन पुरानी शव हो सकता है। तो इसमें जांच की जा रही है और पता करने का प्रयास किया जाएगा, पहले मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।